ये देखो नॉर्मल अपने को जो है की मिल जाती है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। बेस मॉडल में आपको जो है ना दोस्तों प्रोजेक्टर हेलोजन लाइट मिल रही है, तो विंडशील्ड आप लोग देखोगे, साइड मिरर मिलेगा हम लोगों को रफ ब्लैक में, डोर की थिकनेस काफ़ी अच्छी है। थर्ड सुना देता हूँ मैं आप लोगों को एक बार, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल रहा है, डिफॉगर मिल जा रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एलईडी के अंदर लाइट से दोस्तों बड़ी प्यारी लग रही है। इसको करते हैं बंद। थर्ड आप लोगों ने सुनी होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनसीआर मोटो हब में दोस्तों आपका स्वागत है। और आज अपने पास गाड़ी रहने वाली है टोयोटा ग्लैंजा का बेस मॉडल, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गाड़ी है, बहुत ज़बरदस्त लुक है गाड़ी के। डिटेल रिव्यू करेंगे दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं की के बारे में। ये देखो नॉर्मल अपने को जो है की मिल जाती है, लॉक अनलॉक, वो बाकी अपना जो मारुति में आती थी पहले वही वाली बेस मॉडल में की इन्होंने प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अगर सबसे पहले अगर बात करें गाड़ी की फ्रंट लुक के बारे में, तो काफ़ी डैशिंग लुक मिलती है दोस्तों। चौड़ाई काफ़ी अच्छी है 1745 mm की, और गाड़ी की हाइट भी काफ़ी अच्छी रखी गई है 1500 mm। सब 4 मीटर के अंदर ये गाड़ी आती है। अगर फ्रंट में अगर आप लोग देखोगे तो जो बम्पर है, बम्पर भाई काफ़ी मतलब बढ़िया सा लग रहा है आपको जो है ना, एक तरीके से जो अपनी जो बलिनो आती है, बलिनो से काफ़ी हटके है ये वाला बम्पर जो है। अगर आप लोग देखो फ्रंट की लुक टोटली चेंज है पूरी की पूरी। अगर यहाँ पे बीच में अपना टोयोटा का लोगो मिल जाता है, ये क्रोम में ये वाला पार्ट मिलता है अपने को, और यहाँ पे बम्पर देखोगे आप लोग ये ब्लैक में थोड़ा सा बढ़िया सा लग रहा है। फॉग लैंप आप लोग करवा सकते हो अपना जो है यहाँ से, कंपनी से ही, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, बेस मॉडल में आपको जो है ना दोस्तों प्रोजेक्टर हेलोजन लाइट मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे अपने इंडिकेटर मिल जाते हैं इस साइड पे आपको। तो बात करें क्वालिटी की, तो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और ये जाली आप लोग देखोगे तो इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है गाड़ी के अंदर, जो कि मतलब आपको गड्ढों में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है दोस्तों। अभी साइड में आते हैं। साइड में अगर आप लोग देखोगे तो भाई व्हील कैप आते हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि व्हील कैप नहीं आते हैं, ठीक है। अपोलो के टायर मिलेंगे, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेंगे, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे। 185/65 R15 इंच की टायर प्रोफाइल मिलेगी आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी मतलब जो है यहाँ पे गैप देखोगे आप लोग काफ़ी बढ़िया जा अच्छा दिया हुआ है इन्होंने। और भाई अपोलो के टायर मिलते हैं, अपोलो टायर तो आप लोग जानते हो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, और ब्लैक में रिम मिलते हैं दोस्तों। और ये यहाँ पे इंडिकेटर अपने को यहाँ पे मिलने वाले दोस्तों फेंडर के ऊपर। तो विंडशील्ड आप लोग देखोगे तो काफ़ी मतलब बड़ा एरिया है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मतलब। और अगर आप लोग सीट्स की पोजीशन की बात करोगे तो उससे काफ़ी आगे है विंडशील्ड जो है। और वाइपर देख सकते हो आप लोग, दो वाइपर मिलते हैं अपने को शीशा साफ करने के लिए। इधर आ जाओ आप लोग, साइड मिरर मिलेगा हम लोगों को रफ ब्लैक में, 3-3.5 हज़ार रुपये में आप लोग इनको अपने ये वाले मिरर डोर हैंडल सारे के सारे बॉडी कलर में हो जाएंगे आप लोगों की कंपनी से ही। तो भाई सबसे पहले आप लोगों को मैं डोर की थिकनेस दिखाता हूँ, बाद में आएंगे फीचर्स के ऊपर। डोर की थिकनेस काफ़ी अच्छी है, थर्ड सुना देता हूँ मैं आप लोगों को एक बार, काफ़ी अच्छी थर्ड आ रही है। ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही मतलब अपने को जो है नॉर्मल वैसे उस टाइप का मिल रहा है कि भाई क्वालिटी, क्योंकि और बात लास्ट में बात करें सेफ्टी की इसकी, क्योंकि ब्रेकिंग वगैरह में भी काफ़ी कंपनी ने इंप्रूवमेंट की है इसके। पीच साइड में आ जाते हैं, अगर आप लोग देखोगे ग्लास एरिया जो है वो काफ़ी मतलब बड़ा दिया हुआ है यार, इससे मतलब कि अपने को जो है ना लग रहा है कि भाई जो कैबिन है वो काफ़ी रूमी रूमी फील होगा, और भाई अपना जो है लॉन्ग रूट पे आप लोगों को कोई दिक्कत होगी नहीं। साइड यहाँ पे अगर हम लोग आ जाते हैं तो पीछे अगर आप लोग देखोगे तो पीछे सबसे पहले भाई जो लुक रहने वाली है, मतलब एक तरीके से बोलते स्पोर्ट्स कार उस टाइप की रहने वाली है, बहुत अच्छी चीज़ है। स्पॉयलर मिल रहा है हम लोगों को, नॉर्मल एंटीना मिल रहा है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल रहा है, डिफॉगर मिल जा रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो कि आपकी फॉग की सीजन में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है आप लोगों के लिए। और अगर यहाँ पे आओगे आप लोग, बड़ा प्यारा सा टोयोटा का लोगो मिलता है दोस्तों, और जो यहाँ पे अपने को लाइट्स मिलते हैं, मैं एक बार जलाता हूँ उसको। तो दोस्तों आप लोग लाइट देख सकते हो एलईडी के अंदर लाइट से दोस्तों बड़ी प्यारी लग रही है। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा का पूरा एलईडी में रात को जलने के बाद बहुत ज़बरदस्त लगती है दोस्तों। नीचे अगर आते हैं हम लोग तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिलते हैं आप लोगों को, इनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं हम लोगों को, और यहाँ पे नंबर प्लेट लाइट मिलती है हम लोगों को दोस्तों हेलोजन के अंदर, काफ़ी ज़्यादा प्यारी लाइट्स हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग बूट एक्सेस करते हैं एक बार, बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज़ है दोस्तों। अपने व्हील कैप इसके अंदर आते हैं, जो बॉक्स में रखा हुआ है, जिनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है दोस्तों। अपना स्टेप नहीं मिल जाती है अपने को जो है, मैं एक बार मैं निकाल के आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो भाई स्टेप नहीं देख सकते आप लोग, यहाँ पे अपनी सेम टाइप प्रोफाइल मिलता है 185/65 R15। पाने वगैरह यहाँ पे मिलेंगे, जैक अपने को नीचे मिलेगा दोस्तों, लैंप वगैरह कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। एक खूब यहाँ पे मिलेगा अपने को,
एक ही हुक मिलता है दोस्तों, तो इनको व्हील कैप को हम लोग रख देते हैं अंदर वापस। और दोस्तों बात करें बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस में पार्सल ट्रे आपको मिसिंग मिलेगी यहाँ पे, वो आप लोग लगवा सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। 318 लीटर का बूट स्पेस है, काफ़ी बढ़िया है, सफिशेंट है भाई 3-4 लोगों के सामान के लिए। इसको करते हैं बंद, थर्ड आप लोगों ने सुनी होगी। और यहाँ पे अगर आप लोग आओगे तो 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। कंपनी जो माइलेज क्लेम करती है वो करती है इसका 22 का, आराम से जो है 19-20 का माइलेज ये हाईवे के ऊपर बड़े प्यार से निकाल देते हो, सिटी के अंदर भी, और हाईवे पे तो लोगों ने भाई इसके 24-25 का भी निकाल रखा है। अभी भाई चलते हैं अपना जो इधर आते हैं, आपको दिखाते हैं कि सीटिंग कम्फर्ट कैसा है रियर सीट्स में, क्योंकि ये गाड़ी जानी जाती है अपने जो कम्फर्ट लेवल के लिए। सीट्स देख सकते हो आप लोग, चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, डोर ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा वाइड है, ईजी टू भाई सिटिंग जो पोजीशन है ना उसकी काफ़ी बढ़िया दे रखी है। अपना अगर बैठोगे ना आप लोग बड़े आराम से यार बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपने को जो है सबसे पहले अगर डोर की बात करें, अपने को सॉफ्ट टच हल्का सा मिल जा रहा है, पावर विंडो को स्विच मिल रहा है, 1 लीटर बोटर होल्डर का स्पेस मिल रहा है यहाँ पे अपने को, डोर हैंडल मिल रहा है ब्लैक के अंदर। और भाई स्पीकर यहाँ पे अपने को नहीं मिलेगा, बट स्पेसिंग यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे अगर बात करें इसकी, भाई अंडर थाई सपोर्ट अच्छा खासा मिल रहा है, क्योंकि सीटों की चौड़ाई अच्छी है, रिक्लाइनिंग एंगल दोस्तों काफ़ी बढ़िया है, 5 हेडरेस्ट मिलते हैं इस बेस मॉडल के अंदर आपको। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ पे अपने को 60-40 स्प्लिट सीट्स मिलती हैं, 5 हेडरेस्ट मिलते हैं। भाई कंपनी जो है ना सोचती है कस्टमर के बारे में, ये देखो 5 हेडरेस्ट दे रखे हैं भाई, बीच वाला पैसेंजर बेचारा कहाँ जाएगा, उसके लिए भी दे दिया कंपनी ने, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ग्रैब हैंडल मिल रहे हैं, एक हुक मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों अपने को हेलोजन में लाइट मिल रही है, सिर्फ यहीं पे मिलेगी, आगे नहीं मिलेगी, वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो बाकी चलते हैं आगे, फीचर्स कवर करते हैं नीचे। अगर यहाँ पे दिखाएं आप लोगों को, मोबाइल रखने के स्पेस मिलता है, बाकी ऊपर वाले मॉडल्स में एसी वेंट्स आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं मिलेंगे दोस्तों। और ये अपना जो है 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है एक। अभी आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। तो भाई इसमें से उतरना बड़ा आसान है, अभी इसको डोर को करते हैं बंद, भाई नॉर्मल तो होता भी नहीं, काफ़ी बढ़िया है भाई। यहाँ पे सबसे पहले आओगे आप लोग तो ब्लैक में डोर हैंडल मिलेंगे, ये देखो डोर ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा वाइड है। अगर सबसे पहले आप लोगों की नज़र जाएगी दोस्तों यहाँ पे, जो डोर्स की जो क्वालिटी प्लास्टिक क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सॉफ्ट टच यहाँ पे मिलेगा अपने को, चारों पावर विंडो मिल जाती है, ऑटो ऑटो डाउन ड्राइवर साइड मिलेगा अपने को, ब्लैक में डोर हैंडल्स मिल रहे हैं, 1 लीटर बोटल होल्डर का स्पेस मिल जाता है अपने लोगों को, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हो, हल्का सॉफ्ट टच यहाँ पे दे दिया कंपनी वालों ने, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर यहाँ पे देखते हैं आप लोग, तो भाई रिक्लाइनिंग एंगल सेट कर सकते हो, हाइट वगैरह एडजस्ट नहीं कर सकते आप लोग इसकी, तो इसको करते हैं पीछे। और अभी यहाँ पे अगर आप लोग, मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ भाई, इधर आएंगे आइडल स्टार्ट स्टॉप का फीचर मिल जा रहा है दोस्तों अपन लोगों को, और जो अपने को ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा ये वाला बटन जो है, जो हेडलाइट को भाई आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी इस वाले उससे। और अपना जो यहाँ पे अगर पेट्रोल का भाई, पेट्रोल को एक्सेस करना है और अपना बोनट खोलना है तो वो यहाँ से होगा, बाकी अपना ये जो अपना स्पीड वाला दोस्तों ब्रेक और जो क्लच मिलता है। तो सबसे पहले जो है इसमें बैठना बड़ा इजी है यार, बड़े प्यार से भाई बैठ गया हूँ मैं। अब भाई अगर देखें सबसे पहले क्या चेक करोगे आप, कि भाई टिल्ट है या टेलीस्कोपिक है, सिर्फ टिल्ट है, ये भाई काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये पता होना चाहिए। सीट कर लेता हूँ मैं इसकी थोड़ी सी सेट अपने हिसाब से। अभी भाई सबसे पहले नज़र जाएगी आप लोगों की यहाँ पे ऊपर टिकट होल्डर, नॉर्मल वाला मिलता है, उस वाले में बाद में पहुँचते हैं। नॉर्मल अपने को यहाँ पे एक मिरर मिलता है, डे नाइट RVM, यहाँ पे हाउसिंग मिलेगी, टू इन अपना सिस्टम आप लोग दोस्तों बाहर से कराओ, बेस मॉडल का सबसे बढ़िया फ़ायदा ये लगता है मेरे को। और सबसे बढ़िया चीज़ मिलने वाली है दोस्तों उसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलने वाला है, और मैं सबसे पहले की लगा देता हूँ उसकी और फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो यार भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है दोस्तों यहाँ पे। अगर आप लोग देखोगे एक बार तो MID दोस्तों कुछ इस तरह की मिलती है इसमें, अपना जो है एनालॉग मिलती है राइट हैंड साइड पे दोस्तों, अपने को जो है स्पीडोमीटर मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड पे अपने को RPM मीटर मिलता है, तो बाकी अपना बीच में छोटी सी स्क्रीन मिलती है दोस्तों। अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे आप लोग तो लाइट्स के कंट्रोल इधर मिलेंगे और जो वाइपर्स के कंट्रोल अपने को इधर मिलने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो बाकी अपना जो है यहाँ पे अगर बात करें
ये देखो यार, ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है अपने को, वायरलेस चार्जिंग वगैरह कुछ नहीं मिलेगी। बेस मॉडल दो कप होल्डर मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 1.24 सिलेंडर इंजन मिलता है इसमें। पावर फिगर वगैरह लास्ट में बताएंगे हम लोग आपको दोस्तों। हैंड ब्रेक क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और एक चीज़ अगर आप लोग नोटिस करोगे ना, बीच में भाई छोटा सा है बट दिखता नहीं है, अपना हैजार्ड का स्विच मिलता है। और ग्लॉस ब्लैक में जो ये वाला पार्ट है ना, 3 टोन के अंदर अपना इंटीरियर दिया हुआ है बेस मॉडल का, बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। दो एयरबैग मिलते हैं गाड़ी के अंदर, ये अपना रफ ब्लैक मिलता है हल्का सा, ये ग्लॉस ब्लैक मिलता है, और ये बेज कलर है। नीचे अपने को जो है ग्लव बॉक्स देखते हैं हम लोग, कूल्ड नहीं है पर काफ़ी डीप है और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग, ये थोड़ा सा भाई डिसएडवांटेज बोल सकते हैं इसको, एक मिरर दे देना चाहिए था कम से कम को ड्राइवर साइड। तो ग्रैब हैंडल मिलता है ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो अभी चलते हैं गाड़ी के बाहर। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़, उतरना बहुत ज़्यादा आसान है इसमें से, गाड़ी में से भाई बड़े आसानी से उतर गया। अभी ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे इसकी गाड़ी के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों ब्रेकिंग की। ब्रेकिंग में जो है ना, पहले इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को सिर्फ ABS EBD मिलता था, बट अब कंपनी ने जो है ना दोस्तों बेस मॉडल से आप लोगों को ABS EBD और भाई अपना जो है हिल होल्ड कंट्रोल, जितने भी मतलब टोटली अपने आते हैं TCS, ESP, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ये सारे के सारे फीचर दोस्तों इस गाड़ी के अंदर कंपनी ने डाल दिए हैं, ठीक है। और बात करें भाई, 1.2 लीटर का इंजन आता है, 4 सिलेंडर इंजन, 85 BHP, 113 Nm का टॉर्क, सॉरी 89 BHP, 113 Nm का टॉर्क मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी पावर निकाल के देता है। और हाईवे पे जो है ना परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा रिफाइन इंजन है, बहुत साइलेंट है, ठीक है। और बात करते हैं इसके राइवल्स की, तो एक भाई अपना एल्ट्रॉज है और एक अपनी जो है i20 है, बट कहीं ना कहीं हमेशा से जो सेल है वो इसकी बहुत ज़्यादा ऊपर रही है उन गाड़ियों से। तो भाई जो अगर बात करें बलिनो और इसके बारे में, वहाँ पर आपको जो है ना दोस्तों 2 साल 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, बट यहाँ पर आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है टोयोटा की तरफ से, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। शोरूम दोस्तों एक बार मैं लोकेशन दिखा देता हूँ हाईवे की, एकदम मैं भाई को बोलता हूँ घुमा के दिखाया आप लोग, हाईवे के ऊपर है बिल्कुल, मेरठ के अंदर है इस वक्त हम लोग, प्रतापपुर रोड पे अपना जो है अपना, आप अगर दिल्ली मेरठ मेरठ एक्सप्रेसवे से आ रहे हैं तो सीधा एकदम नीचे उतरते के साथ ही भाई शोरूम है, विजिट करो, काफ़ी अच्छी गाड़ी है, टेस्ट ड्राइव वगैरह लो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। अब हर कोई सोच रहा होगा सब कुछ बता दिया, बस ऑन रोड नहीं बताया दोस्तों, 8,38,000 रुपये की ऑन रोड पड़ रही है आपको मेरठ के अंदर। ये गाड़ी सौदा पुरानी है, एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर लेके देखो। थैंक यू सो मच।